बॉल भी। अरे पीछे क्यों हट रहे हो बालवीर? आ आ मेरे पास आ और मुझ पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। तुम्हारे धोखे में मैं नहीं आऊंगा, तुम चाहे जो भी कर लो, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। तुम्हें भयंकर परी के लिए मुझसे और शक्तियां नहीं मिलेगी। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करोगे? नहीं, नहीं करूंगा। अगर मैं तुम्हारे आंखों के सामने सांता क्लॉज का अपहरण करूं, उसे पाताल लोक में ले जाऊं, तब भी नहीं? हाँ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी तो भाई? तुम्हारी शक्तियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर हिम्मत है तो आ जाओ पाताल लोक में और बचाओ अपने सांता क्लॉज को। अब मैं क्या करूं? एक तरफ मेरी शक्तियां और दूसरी तरफ सांता क्लॉज। अगर सांता क्लॉज नहीं होंगे तो क्रिसमस कैसे मनाएंगे? बच्चे बहुत दुखी हो जाएंगे क्रिसमस के दिन। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मानव क्या हुआ पापा? इधर आओ, इधर जाओ। मेरे बेटा, मैंने मेरे रूम में मेरे जो सॉक्स हैं वो मस्त धो के ऐसा प्रेस करके रखे थे, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, तुमने देखे? पापा, आपको रात को क्यों चाहिए? मैं टाई बना के तो नहीं पहनूंगा ना उसे, मुझे पैर में पहनने के लिए चाहिए। पापा, आपका ऑफिस तो सुबह है ना? हाँ तो क्या, सुबह होता है तो क्या, सुबह सुबह तुम्हारी तरह घूमता फिरूं मैं? तू भी तो कुछ बोल। ये वो क्या बोलेगी बेचारी? वो क्या बोलेगी? सॉरी पापा, वो दरअसल कल क्रिसमस है ना, इसलिए हमने आपसे बिना पूछे ही आपके सॉक्स सांता क्लॉज के लिए टांग दिए, ताकि जब सांता क्लॉज यहाँ आए तब इसके अंदर जो विशेष लेकर हमने डाली है वो उन विशेष को पूरी कर दे। मैं ये सोचता हूँ कि बेटा मेरी भी कई विशेष हैं, तो मैं भी लिख के ये सॉक्स में डाल देता हूँ। नहीं पापा, आपकी विश पूरी नहीं होगी। क्यों क्यों नहीं होगा? तेरी विशेष पूरी होंगी, मेरी विशेष क्यों नहीं पूरी होंगी? क्योंकि पापा सांता क्लॉज सिर्फ बच्चों की विश पूरी करते हैं। पता है मुझे। सीखो, अपनी बहन से सीखो। कितना अच्छा समझाती ना मेहर। क्यूटी पाई, हैप्पी सांता क्लॉज क्रिसमस। क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। मैं सुबह से देख रही हूँ पापा तुझे हर बात पे डांट रहे। पहले तो खुद ही सुबह शाम कहते थे, बेटा तुमने दूध पिया, बेटा तुमने खाना खाया या नहीं, बेटा थोड़ा आराम कर लो, और अब बात बात पे डांट रहे। तुमने कुछ किया है क्या? ये सब जो मैं डांट खा रहा हूँ ना, सिर्फ बालवीर की वजह से। ए, बालवीर का नाम मत ले। बालवीर बच्चों को बचाता है, बच्चों को डांट नहीं पड़वाता। अरे हाँ, उसका दीवा पलटू बान है ना, उसकी वजह से मैं डांट खा रहा हूँ। पलटू बान? हाँ। पलटू बान? हाँ।
हाँ ये है, इस बाण को हम जिस इंसान को मारेंगे उसकी सोच उल्टी हो जाएगी। अगर वो प्यार करता होगा तो उसकी सोच गुस्से में बदल जाएगी। ये बाण मुझे बालवीर ने दिया था मोंटू को मारने के लिए, ताकि उसका गुस्सा दोस्ती में बदल जाए। लेकिन ये गलती से पापा को लग गया। अच्छा, तो इसीलिए पापा का तेरे लिए प्यार गुस्से में बदल गया है। संडा! बालवीर! आओ बालवीर आओ, बड़ी जल्दी आ गए। मुझे तो लगा था तुम बहुत देर लगाओगे सोचने में कि तुम मुझे वो शक्तियां दो या नहीं। इसमें सोचना क्या है तबाई? मैं यहाँ सेंटा क्लॉस को बचाने आया, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने से सेंटा क्लॉस को बचा के ले जाऊंगा। आओ तो बचा कर ले जाओ अपने सेंटा क्लॉस को। वैसे भी मुझे तुम्हारे सेंटा क्लॉस नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी शक्तियां चाहिए। चलो इस्तेमाल करो अपनी शक्तियां और बचाओ अपने सेंटा क्लॉस को। नो नो बालवीर, हमको इसका इरादा नेक नहीं लगता है। चुप, वरना खबरदार था भाई, जो तुमने सेंटा क्लॉस को चोट पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, नहीं पहुंचाऊंगी चोट। मैंने तुम्हारी एक बात मान ली, अब तुम मेरी एक बात मान लो। करो ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, करो। सोच क्या रहे हो बालवीर, अब तुम्हारे सेंटा क्लॉस के पास ज्यादा वक्त नहीं है। कभी भी वो नौकीली दीवार उन तक पहुंच जाएगी, और फिर आप कोई क्रिसमस नहीं मनेगा। अब क्या, कभी भी क्रिसमस नहीं मनेगा। मेरे होते हुए सेंटा क्लॉस को कुछ नहीं हो सकता। तो फिर करो ना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल, करो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तुम अपनी नटखट परी की शक्ति इस्तेमाल करो। बस इतनी सी बात? अरे 2 मिनट में पापा का गुस्सा पलट कर प्यार में बदल जाएगा। अच्छा कैसे? देख, मैं बाहर जाऊंगी और पापा को अपने बातों में उलझाऊंगी, फिर तू बाहर आकर ये पलटू बाण उन्हें फिर से मार देना। क्या फिर से? नहीं नहीं, पहली बार मारा तो इतना गुस्सा कर रहे, दूसरी बार मारूंगा तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे मानव, तू भी ना बुद्धू है। पहले जब तूने ये पलटू बाण उन्हें मारा था तब वो तुझसे प्यार करते थे, और उनका प्यार पलट कर गुस्से में बदल गया, और अब वो तुझसे गुस्सा कर रहे। तो ये पलटू बाण अगर तू उन्हें फिर से मारेगा तो उनका गुस्सा पलट कर प्यार में बदल जाएगा। अरे हाँ, है ना? तो अब ये पलटू बाण लेकर जल्दी से बाहर आ। हाँ, लेकिन निशाना एकदम सही लगाना, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। पापा बेटे बाण मार दे। मम्मी का है? अबे मम्मी को तीर मारना है कि पापा को? मारना तो पापा को ही है। तो लेकिन मम्मी दिख लेगी तो? मम्मी दिख रही है क्या? जो मम्मी देख लेगी। चल मैं जगह होती और सांता क्लॉस की जगह भयंकर परी की जान खतरे में होती,
तुम्हें उनके लिए कुछ भी करती। नहीं बालवीर, ये शैतान तबाही की बात में तुम नहीं आना। इसके पास तुम्हारा शक्ति आ जाएगा तो ये दुनिया का किसी भी बच्चा को खुश नहीं रहने देगा माय चाइल्ड। तुम इसको अपना शक्ति नहीं देना। चुप! नहीं तो मैं ये दीवार की गति बढ़ा दूंगी। बालवीर, तुम सोच क्या रहे हो? मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी शक्तियों से प्यार है, सांता क्लॉज और बच्चों से नहीं। हाँ, तुम जानती हो कि मैं बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए तुमने सांता क्लॉज का अपहरण किया और मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। तुम तो सब जानते हो बालवी, तो फिर दिखा दो बच्चों को कि तुम उनके लिए शक्तियाँ खोने के लिए तैयार हो, या सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे। नो, नहीं बालवीर भाई चाइल्ड, इसका बात मत मानो। मैंने कहा था ना चुप रहो। मेहर, क्या हुआ? कुछ नहीं। वो आप क्या कर रहे हो? काम कर रहा हूँ बेटा, इतना सारा काम इकट्ठा हुआ है ऑफिस का, इधर मेरे को काम करना पड़ता है। अनाफ, मेहर कोई पूछना है बेटा? जी, वो कुछ खास नहीं। क्या हुआ बेटा, क्या पूछना था? क्या पूछना था? कुछ नहीं। आजा आजा आजा, बोलो क्या पूछना था, बोलो। ठीक है, अच्छा आप बताइए, दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज किसने उड़ाया था? दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज पायलट ने उड़ाया था। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। एक मिनट, कहाँ लिखना है बेटा? स्कूल की जीके बुक में पूछा था। जनरल नॉलेज की बुक में लिखना है? हाँ। तो बेटा एक मिनट, सही आंसर मुझे पता करने दो। मैं शर्मा जी को पूछता हूँ, मेरा फोन कहाँ है? हाँ, डाइनिंग टेबल पे भूल गया हूँ। डाइनिंग टेबल पे फोन है मेरा। हाँ, हर वक्त मैं यहीं भूल जाता हूँ यार। ये हाँ, ये राइट ब्रदर, राइट। अच्छा, हाँ राइट ब्रदर, ये यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट ब्रदर ने उड़ाया था। और मेहर भाई, राइट का स्पेलिंग जो है वो RIGHT नहीं है, WRIGHT है। हाँ, मेरी बिटिया को सब पता है। अच्छा, ये जो शर्मा जी है ना, ये जनरल नॉलेज की खुली किताब है। हा? अरे तेरे जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ। मानव जी पापा, जरा जरा। मेहर ने बुलाया, मैंने नहीं। लेकिन मेरा नाम तो आपने भी लिया था। तो क्या? उधर बांध से चोट लग जाती तो? हाँ? तो चोट ठीक भी हो जाती? चोट ठीक नहीं होती तो घाव बन जाता तो? एम्बुलेंस बुलानी पड़ती तो? हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता तो? और अगर सुबह गिफ्ट नहीं मिलते तो? क्रिसमस खराब हो जाता तो? काश पलटू बानी ना होता तो? हे नटखट परी, शक्ति दे घरी, दिखा अपनी शक्ति का कमाल, जो हमेशा ये होता, जान बचा सांता क्लॉज की, बना के उनको छोटा। मादे, 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 मादे।
मुझसे कोई नहीं बचा सकता तबाही। मुझे मिटाना इतना आसान नहीं है। अब बचा सकते हो तो बचाओ अपने सांता क्लॉस को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.